जो इतने दूर दूर से इस आयोजन में सहभागी बने हैं। देखो, मैं तो पैदा ही सन्यासी बनने के लिए हुआ, क्योंकि 8-9 वर्ष की उम्र में महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया। जिस सैदलीपुर गांव के छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ, वहाँ महर्षि दयानंद के अलावा किसी दूसरे सन्यासी का हमने नाम नहीं सुना था। तो हमें तो कहते हैं जन्म घुट्टी में ही महर्षि दयानंद के संस्कार मिल गए। मैंने महर्षि दयानंद वेद और ऋषि परंपरा को, किण्वंत विश्वमार्यों को यूं समझा है कि हमारे जीवन में वेद उतरे, हमारे जीवन में ऋषि दयानंद का ऋषित्व उतरे, आर्यत्व देवत्व उतरे, तब तो ये वेद धर्म की प्रतिष्ठा होगी। नहीं तो मैंने कहा, यदि वेद धर्म को मानने वाले, महर्षि दयानंद को मानने वाले निस्तेज हो जाएंगे तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा, हमारे घरवाले भी नहीं करेंगे। हमें इतना यशस्वी तेजस्वी होना है कि हमारे देखने से, हमारे जीवन ऊपर से नीचे तक कोई हमें देखे तो हमें चारों वेद दिखाई देने चाहिए, हमें चार वर्णाश्रम धर्म दिखाई देने चाहिए। यस्मिन ऋचे सामिजोंस्य यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाव्यार ब्रह्मण समुखमासीत बहुराजन्यः कृता उरु तदस्येद वैश्यपदभ्यं शूद्रो जायते। हमारे भीतर वेद धर्म दिखे, हमारे भीतर राष्ट्र धर्म दिखे, हमारे भीतर ऋषि धर्म दिखे, ऐसा जीवन हमें जी करके दिखाना है। मेरे से तो घने पूछे, बोले स्वामी जी तू बहुत बात करे, ये बता थारी जात की है? मन का जात मनुष्य जाति है, दिखती नहीं। बोले वो तो दिखा, असली वाली बता। मैंने कहा यदि तेरे को ये असली वाली नहीं दिखती तो मैं तो 4-in-1 हूं, तू बता। मैं दिमाग से ब्राह्मण हूं, जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अपवित्रता को दूर करे वो शूद्र, और ऐसा हमें बन करके दिखाना। हमारे जीवन में ये चार वर्णाश्रम धर्म दिखे, हमारे जीवन में वेद धर्म दिखे, हमारे जीवन में ऋषि धर्म दिखे, ऐसा प्रामाणिक जीवन हमें जीना है। और इसी का संकल्प लेकर के आप इतने यशस्वी होकर के जाएं कि जो कहते हैं ना, मैं बार बार एक मंत्र पढ़ा करता हूं वेदों का, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। हमें महर्षि दयानंद और वेद धर्म को पराजित नहीं होने देना है, ये संकल्प लेकर के जाना, क्योंकि हम निस्तेज हो गए तो वेद धर्म ऋषि धर्म पराजित होगा और यह हमारे लिए शोभा नहीं देता है, ऐसा हमें जीवन जीना है। भाई देखो, महर्षि दयानंद के समय ना कितने आर्य समाज थे, एक तरफ लेखराम जी थे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी थे, उधर चंद्रशेखर आदुरु सुखदेव भगतसिंह और उनके साथ महर्षि दयानंद का झंडा जिसने बुलंद कर रखा था, जेल में भी जो हवन करता था और फांसी पर चढ़ने से पहले भी जिसने संध्या हवन किया और दंड बैठक लगाई कि अगले जन्म में आऊंगा तो अंग्रेजी साम्राज्य उखाड़ फेंकूंगा, ऐसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के हम अनुगामी हैं, ये गौरव होना चाहिए हमको। तो भाई देखो, आज आपको देख करके मैं कह रहा था, उस समय तो चंद आर्य समाजी थे, मुट्ठी भर आर्य समाजी थे, एक तरफ स्वामी श्रद्धानंद, दूसरी तरफ महात्मा हंसराज और कुछ चंद आर्य समाजियों ने, और उसके बाद में एक परंपरा खड़ी हुई, उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। आज तो यहीं पर जितने आर्य समाजी हैं, देखो कभी भी भीड़ दुनिया को नहीं बदलती है, भीड़ पीछे पीछे चलती है। आर्य समाज कोई भीड़ तंत्र नहीं है, आर्य समाज कोई भेड़ तंत्र नहीं है, आर्य समाज का एक व्यक्ति चलेगा उसके पीछे पूरा जमाना चलेगा, इतनी ताकत महर्षि दयानंद ने हमको दी है। इतनी बड़ी शक्ति और ऊर्जा का संचय करके आप यहां पर आए हैं और बहुत बड़ा संकल्प और बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के यहां से जाएंगे, और इसके लिए यह जो पूरा आयोजन जिनके पुरुषार्थ से, जिनके परम उदारता से संपन्न हुआ, एक बार फिर से हम महाशय जी का फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार जोरदार करता ध्वनि से। और श्रद्धे आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय गंगा प्रसाद जी, भाई सुरेश चंद अग्रवाल जी, आदरणीय धर्मपाल जी, प्रकाश आर्य जी, हमारे ये तो प्रकाश पुंजी हैं, विनय जी और वागीश जी के साथ साथ आचार्य
राजेश जी केरल से, बहुत बड़ा। मैं इनके वहाँ आयोजन में भी गया हूँ और वो जो माने कितने अग्निहोत्री परिवार तैयार कर दिए वहाँ, 10,000 नित्य अग्निहोत्र करने वाले परिवार केरल में तैयार किए महर्षि दयानंद के शिष्य। ये है उपलब्धि इस महापुरुष की। ये आचार्य राजेश जी, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत। 8 करोड़ की लागत से महाशय जी ने केरल में भी महर्षि दयानंद का झंडा गाड़ दिया, उसके लिए भी महाशय जी का अभिनंदन। ये कार्य अभी अंडमान निकोबार में मैं भी पिछले दिनों गया था भाई, अद्भुत है वो भी, धरती का स्वर्ग है। वहां पर भी महाशय जी फिर अब वेद ध्वजा गाड़ रहे हैं, उसके लिए भी फिर से अभिनंदन है। मैंने इसलिए राजेश जी के बारे में कहा, इतनी विनम्रता से सेवा देते हैं। और देखो भाई, मैं किसी अन्य की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आर्य समाजियों के दिमाग में तर्क बहुत भयंकर होता है। कोई सोचे कोई सोचे कि भाई ये इन्हीं को क्यों करें, माने केरल में वहां पर महर्षि दयानंद का कार्य करना और 10,000 नित्य अग्निहोत्र करने वाले परिवार तैयार करना, ये कार्य राजेश जी ने किया है। ये ऐसे ऐसे बनना है महर्षि दयानंद का शिष्य, तो ये ऐसे शिष्य है महर्षि दयानंद आचार्य राजेश जी। ऐसे ही हमारे सत्यपाल पथिक जी, हमने इनको पिछले दिनों हरिद्वार में भी, मैं इनके भजन बहुत गाता हूं, अब तो हमने सैकड़ों भजन अपने पतंजलि के ब्रह्मचारियों सन्यासियों ने भी बना दिए, पहले आप ही के गा रहा था मैं बहुत। तो पथिक जी का भी एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। आर्य समाज के जो विचारधारा है उसको भजनों में पिरोने का बहुत बड़ा जोरदार अभिनंदन है इनका। ये हमारे ऐसे भीष्म पितामह है जैसे हमारे आर्य समाज के प्राणभूत हमारी आत्मा है। और सभी आर्य प्रतिनिधि सभाओं के प्रतिनिधियों का, अध्यक्षों का, डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी, ये देखने में तो छोटा सा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट जैसा है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार जी का भी, जो वेद में, विद्याओं में और सब प्रकार की कलाओं में कुशल होते हुए महर्षि दयानंद के एक सच्चे योद्धा और पुरोधा बनकर के कार्य कर रहे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। भाई विनय हमारे विद्यालंकार जी, जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा के गौरव हैं। और अंत में मैं सबके साथ साथ में, ये भी बड़े तेजस्वी हमारे उत्तराखंड के ही हैं और वहीं पर झंडा गाड़ रहे हैं पहाड़ में, उत्तराखंड के हमारे प्रधान भी हैं, और सुरेश चंद्र आर्य जी हमारे, इतने विनम्र, एक बार जोरदार अभिनंदन इनका, इतना विनम्र सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा का प्रधान जिसके जीवन में पूर्ण सात्विकता और पवित्रता है, जोरदार अभिनंदन है इनका इस बात के लिए कि आर्य का जीवन कैसा होना चाहिए उसके हमारे ये मूर्त रूप हैं सुरेश आर्य जी। और बहन मीनाक्षी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही, और महिला शक्ति का एक गौरव प्रतीक है मीनाक्षी जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, हमारी बहुत प्यारी बहन है। देखो जैसे बहन मीनाक्षी जी भी राजनीति में प्रतिनिधित्व करती है, मैं देखो आर्य समाजियों इतना जोर का हांगा लाओ, ये थोड़ा हरियाणा के भी है थोड़ा समय, इसलिए थोड़ा हरियाणवी शब्द एक दो बीच में बोल दिए, इतने जोर का जोर लगाओ, इतनी ताकत लगाओ, जैसे मैं कह रहा था नाम इंद्रो न पराजय के घृतम में दक्षिण हस्ते दयो में सब व्याहित अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्ष अमृतम महासन अर्क सिद्धात्रस्व विमान अजस्रो घर्म हवेस्मि राम। ये देश तो क्या, वेद में हमारा मंत्र और विचार संकल्प है कि हम इस देश ही नहीं, हम दुनिया ही नहीं, पूरी त्रिलोकी पर विजय पाने वाले आर्य हैं। ये संकल्प आर्यों का होना चाहिए और इतना सबल होना है कि राजनीति से लेकर के समाज जीवन के हर क्षेत्र में आपको अपना एक सशक्त आपको प्रतिनिधित्व देना है। इसी संकल्प के साथ आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ एक बार हाथ उठा करके बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर कृष्ण चंद्र की, महर्षि देव दयानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, जो बोले सो अभय। तो आप सब सचेत हैं, जागरूक हैं, और आदरणीय गडकरी जी की कई कैबिनेट मीटिंग्स रहती हैं,
बड़े निर्णय इनको लेने होते हैं प्रतिदिन और उनको क्रियान्वित करते हैं। हमें गौरव है कि आज हमारे बीच में जो इस देश का सबसे क्रियाशील मंत्री है, और यदि सरकार के कार्यों को गिनाया जाए तो उसमें लगभग लगभग 70% हिस्सा गडकरी जी के खाते में जाता है। ऐसे ऊर्जावान पुरुषार्थी और परमार्थी हमारे मंत्री हमारे बीच में हैं, जिनकी वेद निष्ठा, जिनकी गो निष्ठा, जिनकी राष्ट्र निष्ठा सदा अखंड और प्रचंड रहती है। ऐसे वेद माता, गो माता, भारत माता, गंगा माता के प्रति अनन्य निष्ठा रखने वाले और आर्य समाज को अपनी प्रेरणा मानने वाले आदरणीय गडकरी जी हमारे बीच में है। हमारे आज की तो ऊर्जा है ही, हमारे भारत के भविष्य की भी एक बहुत बड़ी आशा और विश्वास है। मैं पूरे आर्य समाज की ओर से जोरदार करतल ध्वनि द्वारा आदरणीय गडकरी जी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। वो अपने मंतव्य से सबको अनुग्रहित करें, और अत्यंत व्यस्तता के बीच में मैंने उनसे आग्रह किया कि आप जरूर आए, आर्य का महाकुंभ है ये, वो आए हैं। एक बार फिर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन सबकी ओर से। हमारे आयुर्वेद और योग विज्ञान को पूरे विश्व में जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, और वो प्रतिष्ठा जिन्होंने दिलाई है, ऐसे परम आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय गंगा प्रसाद जी, आदरणीय जगदीश मुखी जी, सुरेश अग्रवाल जी, प्रकाश आर्य जी, विनय आर्य जी, धर्मपाल आर्य जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले विदेश से हमारे देश में पधारे हुए सभी आदरणीय व्यक्तियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में हमारे देश की संस्कृति, इतिहास और विरासत को लेकर काफ़ी गहन चर्चा हो रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो विचार हमको दिया है, वो विचार हमारे भविष्य में विश्वगुरु हमारे देश को बनाने के लिए हमें बहुत उपयोगी है। एक अंग्रेजी फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, पैसा और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। और पार्टी एंड फिलॉसफी, संगठन और विचारधारा, इसमें सबसे श्रेष्ठ हमारी विचारधारा है, और हमारी विचारधारा ही हम श्रेष्ठ रूप में स्वीकारते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो विचार हमको दिया है, वह ऐसे एक हिंदुस्तान की कल्पना उन्होंने की थी कि जो जातिवाद से, सांप्रदायिकता से, छुआछूत अस्पृश्यता से पूरी तरह से मुक्त हिंदुस्तान हो, जो सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, शक्तिशाली हो, और पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता उस देश में हो। हमारे देश के बारे में यह कहा जाता है कि वी आर ए रिच कंट्री विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है, और हमारी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का संबंध हमारा देश धनवान होने के बाद अगर किसी बात से है तो सही नीति को सही समय पर अपनाने में जो कमी आ रही है, वही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, आज पूरा विश्व हमारे तरफ देख रहा है, पर विशेष रूप से
जो हिंदुस्तान में लोग रहते हैं वो इस बात को महसूस नहीं कर सकते। मुझे यूके में जाना पड़ा, लंदन में, वहां के पार्लियामेंट में कार्यक्रम था और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वहां के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जी के साथ मैं जब चाय पीने के लिए गया तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा। उन्होंने मुझे पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो मैंने सहज जवाब दिया कि गरीबी और भुखमरी और बेरोजगारी हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। उनको मैंने यह जवाब देने के बाद मैंने उनको एक सवाल पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि समस्या तो अनेक है पर जिस समस्या से हम सबसे ज्यादा ग्रस्त हैं वो समस्या आज हमारे यहाँ उसका हम सामना कर रहे हैं कि हमारी लड़कियां शादियां होने के पहले ही माता बन जाती है। लिविंग रिलेशनशिप में संतति पैदा हो रही है और समाज व्यवस्था उद्ध्वस्त हो रही है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा कि क्या आपका देश तो गरीब है तो क्या आपके देश में यह समस्या नहीं है। तब मैंने उनको जवाब दिया कि नहीं के बराबर है, यह समस्या हमारे बीच में नहीं है। तब उन्होंने मुझे पूछा कि यह कैसे संभव है, जब देश गरीब है तो यह समस्या क्यों नहीं है। तब मैंने उनको इस बात का जवाब दिया कि हमारा भारतीय समाज इतिहास, विरासत और संस्कृति के आधार पर आधारित है। हमारे संत, हमारे महापुरुष, इन्होंने जो मूल्याधिष्ठित संस्कार जिसको हम लोग जीवन मूल्य कहते हैं, वैल्यूज कहते हैं, उन वैल्यूज के संस्कार हमारे समाज पर है और जिसके कारण गरीब होने के बाद भी हमारी परिवार व्यवस्था मजबूत है। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति और उसके आधार पर सक्षम संस्कारों के आधार पर व्यक्तियों का निर्माण, यही हमारी समाज की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी शक्ति है। और हमारे देश के इतिहास में जिन साधु संतों ने हमारे सामाजिक सुधारों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमारे समाज को बदलने में जिनका बहुत बड़ा श्रेय है, उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी के कार्य को हम कभी भूल नहीं सकते। तीन बातों पर दुनिया के वेस्टर्न थिंकर जो है तीन बातों पर विचार करते हैं। पहली बात है इथिक्स, दूसरी बात है इकोनॉमी और तीसरी बात है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये तीनों महत्वपूर्ण है पर ये विचार करने का वेस्टर्न कंसेप्ट है। पर हमारे देश में, हमारे वेदों में, हमारे योग विज्ञान में, हमारे आयुर्वेद में, जिसका महत्व हमको समझने में थोड़ी देरी हुई, जिसका महत्व विश्व में लोग समझ गए, और कभी कभी ये अच्छी भी बात है और कभी कभी दुख और दर्द भी होता है कि हमारे देश से ज्यादा वेदों पर रिसर्च जर्मनी में हो रहा है, आयुर्वेद में होता है, योग विज्ञान पे होता है और हमारे देश में उसको उतना महत्व नहीं मिलता। और इसलिए भविष्य के समाज की जो कल्पना हमने की है वो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित संस्कार पद्धति और मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, जो वेद धर्म की हमारी नीतियां, समाज की आदर्श संस्कृति के आधार पर हमारी कल्पनाएं, इसके आधार पर समाज की निर्मिति होगी। पर दुनिया बदलती है, देश बदल रहा है। यह कहा गया है विज्ञान में कि हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है, जो कल था वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं, जो शाश्वत बातें होती है वो कभी नहीं बदलती। शाश्वत बातें जो होती है
वो हर समय के लिए स्थापित होती है, वो कभी बदलती नहीं। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी केशवानंद भारती के केस में हमारे संविधान के बारे में जजमेंट देते हुए कहा था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, और इसलिए जो शाश्वत बातें हैं वो कायम है। जो विवेकानंद जी ने कहा, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा, जो रामायण महाभारत के इतिहास से हमें प्रेरणा मिली, जो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की व्याख्या करते समय वे ऑफ लाइफ, उसका संबंध पूजा पाठ से नहीं है, उसका संबंध कोई पूजा अर्चा से नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और वे ऑफ लाइफ इज अ एस्टैब्लिश्ड कंसेप्ट नॉट फ्रॉम द पीपल ऑफ द कंट्री, बट इट इज द एस्टैब्लिश्ड कंसेप्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि हिंदुत्व हमारी वे ऑफ लाइफ है, यह जीवन पद्धति है, और ये जीवन पद्धति हमको दी है वो जिन महासंतों ने दिए, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम कभी भूल नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत अस्पृश्यता जातीयता हम नष्ट करेंगे, सोशल इक्वालिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पर समाज की निर्मिति करेंगे, और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति के आधार पर संस्कारित समाज की रचना करेंगे, यही संकल्पना उन्होंने हमको विचार में दी है। पर मैं थोड़ा सा नए पीढ़ी से आया हूं, और इन बातों पर विश्वास रखते हुए उसी भावार्थ को, उसी विचार को, उसी स्थापित विचारधारा की विचार के गाभा को पूरी तरह स्वीकार करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि समय के साथ इसी को कैसे रखना और कैसे चलाना, ये भी हमको प्रोफेशनल मैनर में सोचना होगा। आजकल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, अच्छा होना और अच्छा दिखना भी पर्याप्त है। थोड़ा सा एक बात हमको समझनी होगी कि इथिक्स इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, उसके भाव सही है, पर हमारा वेद विज्ञान आयुर्वेद योग विज्ञान संस्कृति मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति ये तो हमारी ताकत है, पर दुनिया में एक ताकत बनी हुई है और वो ताकत है नॉलेज। नॉलेज का अर्थ हम ज्ञान कहते हैं, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल्ड इसको हम नॉलेज कहते हैं, और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। अगर आप विश्व में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, सैन फ्रांसिस्को जाइए, सियाटल जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, आप जापान जाइए, जर्मनी जाइए, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे वर्ल्ड में नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे जापान के प्रधानमंत्री ने बताया कि जापान के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनी में जब सिलेक्शन होता है तो वहां के लोग इंडियन लोगों का नाम देखकर टिक मार्क करते हैं और उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी लोकप्रियता और विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी और गुडविल विश्व में है। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या आपके भारतीय इंजीनियर्स के शरीरों में क्या मैथमेटिक्स के जीन्स है, वो इतने होशियार कैसे हैं? उन्हें क्या पता है कि इतिहास विरासत संस्कृति मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति परिवार पद्धति संस्कार पद्धति इसके आधार पर हमारे भविष्य के इन युवाओं को जो सक्षमता प्राप्त हुई है वो हमारे देश के और हमारे समाज के संस्कारों का सबसे बड़ा योगदान है। और इस व्यक्ति निर्माण के प्रक्रिया में हमारे साधु और संतों का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए मैं हमारे सभी आदरणीय गुरुवर्यों से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारी बात को बदलना नहीं है, हमारे भावार्थों को बदलना नहीं है, पर हमारी भावार्थ को, हमारी विचारधारा को, हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति को ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी रिसर्च के आधार पर समन्वित करके जोड़ना है। और दोनों का संगम जब होगा
तब भारतीय संस्कृति और विचारधारा की जो आज एक्सेप्टेबिलिटी है वो 10 गुना बढ़ेगी और हम विश्व गुरु बनेंगे। बहनों और भाइयों, हमारा देश बदल रहा है। हम केवल हाईवे रोड नहीं बना रहे, मैं दिल्ली और मुंबई के बीच में एक रोड बना रहा हूँ 1,00,000 करोड़ का, और ये हाईवे का काम शुरू किया है। 44,000 करोड़ बड़ोदरा मुंबई का हमने काम शुरू किया है। अब दिल्ली से जयपुर का काम अगले महीना शुरू कर रहे हैं। 1,00,000 करोड़ का ग्रीन हाईवे नया हम बना रहे हैं, जिसमें 12 लेन का रोड होगा और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। लोगों का विश्वास नहीं होता, मैं जब मुंबई में मंत्री था तो मैं कहता था कि एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे के बीच में बनाएंगे तो 8 घंटे लगते थे, 2 घंटे में लोग आएंगे तो लोग मुझे हंसते थे। जब फ्लाईओवर बने 55 और समुद्र में एक बहुत बड़ा वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मुझे ही बनाने का उस समय सौभाग्य मिला तो मैं बताता कि 8 मिनट में पहुंचेंगे तो लोग हंसते थे। अब दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते हैं, पर अब दिल्ली में हमने 14 लेन एक्सिस कंट्रोल रोड बना दिया एक्सप्रेस हाईवे, और ये कह दिया कि दिल्ली से मेरठ आप 40 मिनट में आओगे। अब दिल्ली का रिंग रोड बन रहा है, आधा तो खुल गया और आधा अभी 31 तारीख को खुल रहा है। दिल्ली का पोल्यूशन 60% कम होगा और ये पूरा ट्रैफिक जाम समाप्त होगा, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। देश बदल रहा है, और आपको जिस बात से आस्था है वो गंगा के बारे में मुझे पता है कि आप सबको आस्था है। मैं गंगा का मंत्री हूं, हम गंगा और उसकी उपनदियां यमुना नदी नाले 40 उसमें काम कर रहे हैं। 26,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हमने मंजूरी दे दी है, करीब 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं, 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज, पूरा लेखा जो का हमारे पास है। गंगा अविरल बने और निर्मल बने ये हमारी इच्छा है, आप सबकी है। मैं आज स्वामी दयानंद जी सरस्वती का स्मरण करते हुए आपको वचन देता हूं कि मार्च समाप्त होने के पहले गंगा 70-80% निर्मल होगी और अविरल होगी। आपको इसके बाद गंगा सूखी कहीं नहीं दिखेगी, और अगले मार्च तक पूरी कोशिश करके 100% गंगा। मैं उन लोगों में से हूं कि मैं कभी झूठे वादे नहीं करता, ये मीडिया वाले मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, अगर नहीं होता तो मैं जरूर नहीं कहता, पर मैं जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का स्मरण करके आपको वचन दे रहा हूं, क्योंकि आपको जितनी गंगा के प्रति आस्था है उससे ज्यादा है ये तो कहना उचित नहीं होगा, पर उतनी आस्था मुझे और नरेंद्र मोदी जी को है और हमारी सरकार को है। हमने अविरल गंगा का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, अब गंगा में हमने 5 जगह पर ज्यादा पानी छोड़ रहे बैरेजेस से, हर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मैंडेटरी किया उनको पानी छोड़ना है, और हम पूरी गंगा में अब पूरा तरह से अविरलता को मेंटेन करेंगे। और उधर वाराणसी से हल्दिया तक हमने जलमार्ग बनाया 5,500-5,500 करोड़ खर्चा करके, अगले मार्च में काम पूरा हो रहा है। 4 मल्टी मॉडल हब बन गए हैं, अब गंगा पर एक्सपोर्ट शुरू हो गया है, शुगर जा रही बांग्लादेश को वाराणसी से, मल्टी मॉडल हब वाराणसी हल्दिया साहिबगंज और गाजीपुर में मल्टी मॉडल हब बन रहा है, अगले महीने उसका उद्घाटन है। अब गंगा में 5-star 7-star क्रूज घूम रहे हैं, 3 मीटर का ड्रेजिंग 1,700 करोड़ का पूरा हुआ है। उधर हमारे हल्दिया से आगे हमने बंगाल के खाड़ी में भी ड्रेजिंग करके ब्रह्मपुत्रा को ड्रेजिंग किया है, ब्रह्मपुत्रा का जलमार्ग पूरा किया है, बराक का काम पूरा किया है, और बांग्लादेश में जाकर 250 करोड़ का भी ड्रेजिंग किया है। अब वाराणसी से म्यांमार तक आप जा सकोगे, अभी म्यांमार के मंत्री मेरे पास आए थे, पूरा मार्ग जलमार्ग खुला हुआ है। और हम भाई इलाहाबाद से वाराणसी ये भी कुंभ के पहले
एक मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन करने के लिए हमने ड्रेजिंग काम शुरू किया है। इलाहाबाद में 4 रिवर पोर्ट बना रहे हैं और आने वाले कुंभ में वाराणसी से इलाहाबाद प्रयाग हम आपको कैटरमैरन हावरक्राफ्ट सी प्लेन में बिठा कर लेकर जाएंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। क्योंकि गंगा, गोमाता, आयुर्वेद, योग विज्ञान ये केवल हमारे आस्था के प्रतीक नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान के प्रतीक है। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वावलंबन और स्वदेशी ये हमारा आचरण है, ये हमारा विचार है। और मेरा विश्वास है कि इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो प्रेरणा दी थी, छुआछूत, अस्पृश्यता, अंधश्रद्धा, जातीयता, उच्च नीचता का भाव, अगर कठोर शब्द उपयोग करना होगा तो इसको समाज से उखाड़ कर फेंकना होगा, इस ताकत से काम करना होगा। मानवता के आधार पर, समता के आधार पर, सामाजिक आर्थिक विषमता से मुक्त और सामाजिक आर्थिक समानता के आधार पर, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी के आधार पर स्वामी जी का, महर्षि जी का सपना पूरा करना, यही वैचारिक मिशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इतने सब बड़े लोग यहां बैठे हैं, रामदेव जी है, हमारे सभी महर्षि दयानंद जी के विचारधारा पर श्रद्धा रखने वाले आप सब लोग हैं, हम सब के प्रयासों से आने वाले समय में हिंदुस्तान तो बदलेगा ही। पर मेरा विश्वास है कि इसी भारतीय संस्कृति की विचारधारा के आधार पर हम विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व को प्रेरणा देने का काम करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आज के इस महासम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में, आप इसी संकल्प को आगे भविष्य में पूरा करने का संकल्प करके यहाँ से हम सब लोग अगर जाएंगे तो देश के इतिहास में, देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं फिर से एक बार आप सबको, मंच पर बैठे हुए सभी महानुभावों को बहुत आदरपूर्वक, नम्रतापूर्वक अभिवादन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि इस देश में अच्छा काम करने के लिए हमको ताकत दे, हमको शक्ति दे, हमको आशीर्वाद दे, ताकि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सपना पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।